आलोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। आलोक जी, देखिए लगातार हम बातें कर रहे हैं कि किन नए चेहरों को तरजीह दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, मोहसिन रजा और श्रीकांत शर्मा, ये चार ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में इस बार जगह नहीं मिली है, और दिनेश शर्मा तो डिप्टी सीएम थे लेकिन उन्हें तरजीह नहीं दी गई है, ये बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। क्या इन्हें और कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में मिल सकती है आलोक जी? निश्चित तौर पर देखिए, आज योगी पार्ट टू के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल सामने आया, और मैं इस वक्त भी एकाना स्टेडियम में हूँ और सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग मंच पर बैठे हैं। और इसी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी थे, मुख्यमंत्री योगी थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, और सारे नेता बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा समेत यहाँ मौजूद थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाने का काम किया गया है, और हम बताना चाहेंगे कि इस वक्त भी लोग वहां पर मौजूद हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। और हमारे सहयोगी रजत सिन्हा जी हैं। रजत सिन्हा जी, अभी जो आपने देखा है, विस्तार हुआ है, क्या कहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, निश्चित ही ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 60 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो सकता है, और 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल पहले फेज में ही हो चुका है, कहीं ना कहीं 7 पद अभी जरूर रुक्त है। लेकिन अगर पूरे मंत्रिमंडल को देखा जाए तो जातिगत समीकरणों का खासा ख्याल रखा गया है, और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल बनाया गया। जिस तरीके से पार्टी सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि साफ निर्देश था केंद्रीय नेतृत्व का कि मंत्रिमंडल ऐसा होना चाहिए जो एक लंबे समय तक काम कर सके, यानी 2024 के लिए काम कर सके, जब 2027 में उत्तर विधानसभा आए तो उसके लिए भी काम कर सके, शायद उन सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। लेकिन ये बात जरूर है कि तमाम पुराने चेहरे जो योगी सरकार के पार्ट वन में थे वो देखने को इस बार नहीं मिले। जिनमें अगर प्रमुख चेहरों की मैं बात करूं तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी सीएम थे, इस बार वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। आशुतोष टंडन जो लखनऊ से कैबिनेट मंत्री थे वो नहीं शामिल हुए। जय प्रताप सिंह जो सिद्धार्थनगर से आते हैं वो नहीं थे। सतीश महाना जो लगातार के 9 बार के विधायक हैं वो शामिल नहीं हुए। रामनरेश अग्निहोत्री, रमापति शास्त्री, श्रीकांत शर्मा, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो पिछली कैबिनेट में थे, कैबिनेट मंत्री के रूप में थे, लेकिन इस बार वो नाम नहीं है। लखनऊ को खासतौर पर निराशा हाथ लगी है। बृजेश पाठक को जरूर उप मुख्यमंत्री बनाया गया है जो लखनऊ कैंट से जीतकर चुनाव आए, लेकिन बाकी अगर बात की जाए, मोहसिन रजा जो एमएलसी है लेकिन राजमंत्री थे वो पिछली सरकार में, वो नहीं है। आशुतोष टंडन नहीं है, और खुद डॉक्टर दिनेश शर्मा नहीं है। आलोक जी, हमारे साथ में निषाद पार्टी के जो कि सहयोगी दल हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। निषाद पार्टी से आप लोग अभी भी रुके हुए हैं शपथ ग्रहण के बाद, और निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उनको कैबिनेट में जगह दी गई है सर। और निश्चित तौर से जो है महामना राष्ट्र जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने जो है अपने समाज को जगाया, और एनडीए में इस समय हम शामिल थे, और निषाद समाज का जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता लगे हुए थे, और हम लोगों को आज बहुत खुशी हो रही है। हम लोग यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए थे, बहुत हम लोग खुश हैं। हमारे साथ में हमारे जो है संगठन के जिला उपाध्यक्ष माननीय बाकेलाल निषाद जी, राजेंद्र निषाद जी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष चौधरी हंसलाल निषाद जी, विधानसभा अध्यक्ष जफराबाद, बिल्कुल पूरे निषाद पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। योगी पार्टी से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं? सर जी, हम लोग तो इसमें शामिल हैं, और योगी महाराज जी ने हमारे जो पूर्वज हैं, भगवानों के भगवान, भगवान राम के मित्र निषाद राज, उनकी जो है 53 मीटर की प्रतिमा श्रृंगवेरपुर उनके जन्म स्थल पे लगवाने का काम किए हैं। जौनपुर जिले में महाराजा गोहराज निषाद बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण करवा रहे हैं। बिल्कुल, भगवान राम और निषाद का जो बातें सामने है, गोस्वामी तुलसीदास ने जिनका उदाहरण दिया है, बीजेपी के भी तमाम सारे कार्यकर्ता हमारे बीच में जुट गए हैं। आप लोग कहाँ से हैं अभी तक? मैं उत्तर प्रदेश के सबसे अंतिम विधानसभा 403 दुद्दी विधानसभा का से आया हूँ, और आज पुनः उत्तर प्रदेश। देखिये, मैं एक मिनट रोकता हूँ, देखिए अभी भी नारे लग रहे हैं योगी मोदी के, और पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग पहुंचे हुए। हमारे साथ में एक, आप कहाँ से हैं? बुंदेलखंड योगी, झांसी से है। क्या नाम है आपका? मेरा योगी सत्यनाथ नाम है, बुंदेलखंड योगी के नाम से जानते हैं। महाराज जी से प्रेरणा लेकर ही संन्यास लिया था। अच्छा, आपकी वेशभूषा भी महाराज जी जैसी है? महाराज जी की वेशभूषा महाराज जी जैसे ही, पद चिन्हों पर चलता हूँ महाराज जी के, और निरंतर कोशिश करता हूँ, और लोग
सभी जगह। बिल्कुल देखिए आलोक जी, यहाँ पे तमाम लोगों में, तमाम को आपने भी देखा है, क्या कहेंगे? जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी निश्चित रूप से देखी जा रही है। वो तो आज सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से घरों के बाहर भी जो ढोल है, जो नगाड़े हैं, वो घरों के बाहर देखे जा रहे हैं। लेकिन उम्मीदें और चुनौतियां बहुत बड़ी है, क्योंकि नए चेहरों को तरजीह दी गई है मंत्रिमंडल में। और ऐसे में ये भी ध्यान रखा गया है कि 2024 भी बहुत करीब है, लोकसभा चुनाव बेहद अब करीब ही कह सकते हैं, 2 साल बचे हैं। और ऐसे में उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल को तैयार किया गया है, जातिगत समीकरणों को भी साधा गया है, ये भी कहेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में कुछ लोग हैं, और जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हैं, संत समाज से आते हैं, हमारे साथ में बिल्कुल उन्हीं की वेशभूषा में है, उसी तरीके से है। ये जो आज आप नई सरकार बनी है, इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम नए चेहरों को जगह दी गई है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, निश्चित ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2029 में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम योगी जी कब प्रधानमंत्री बनेंगे? 2029 में। और हमने संन्यास लिया है, जब तक महाराज जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। और ये सुशासन की जीत है, यह अधर्म पर धर्म की विजय है। यह हमारी महिलाओं को जो सुरक्षा मिली है, हमारे सब समाज को, हिंदुओं को, वो किसी भी जाति का हो, सबका साथ सबका विकास, जैसे सभी को आवास मिले हैं, सबको राशन मिले हैं, निश्चित ही यह उसकी जीत है। बिल्कुल, आप लोग क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? हम सिवान से हैं, बिहार से, और हम और महाराज जी साथ में गोरखपुर योगी जी के लिए हमने प्रचार किया। और जब हम क्षेत्र में घूम रहे थे, तो जैसा कि योगी जी सबके लिए जो सबका साथ सबका विकास के नारा से सबके लिए जो काम किए, और साथ में जब हम लोग साथ में चलते थे, तो ऐसे ही सभी लोग खुशी के साथ जय श्री राम का नारा लगा करके, और मोदी योगी जिंदाबाद के नारा। और भी बहुत सारे लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इधर आइए सामने की तरफ। हाँ, हम प्रताप सिंह चौहान योगी जी के साथ रहते हैं, और हमारे बुंदेलखंड योगी जी कहीं 403 विधानसभा में हर जगह प्रचार करने भी गए। और योगी जी के लिए, योगी जी के दूसरे कार्यकाल से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? राशन, सुशासन और प्रधानमंत्री आवास योजना और भयमुक्त उत्तर प्रदेश जो योगी जी ने किया है, ये बहुत निरंतर बहुत अच्छी चीज़ है। उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने जात पात से नहीं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के प्रति, ये सब लोगों ने मिल करके योगी आदित्यनाथ जी को पुनः द्वारा शपथ दिलाने के लिए सब लोगों ने कार्य किया है। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, अनाज, सुशासन, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं योगी पार्टी से? हम लोगों को जो है कि बस सब यही उम्मीद है कि रोजगार अवेलेबल हो, और गुंडे बदमाश और माफिया तो बहुत दूर हो चुके हैं, और शायद बहुत ही अच्छा है कि अगर अच्छा नहीं होता तो दोबारा मुख्यमंत्री तो लगभग 37 साल बाद कोई बना हुआ है, और योगी जी का कार्यकाल बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, अब युवाओं की मांग है कि रोजगार के अवसर उनके सामने आए, और उनका कहना है कि गुंडे जो है उत्तर प्रदेश से बाहर जा चुके हैं। और कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे क्या उम्मीदें हैं योगी पार्टी से, आप लोग युवा चेहरे हैं। जी, योगी सरकार से हमारी यही उम्मीदें हैं कि जैसे यह 5 साल हम अच्छी कानून व्यवस्था लेकर आए योगी जी, अच्छे हमारे लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। जी, रोजगार की लोग बात कर रहे हैं, और रोजगार क्योंकि जैसा कि हम लोग को जानकारी है कि पिछले वर्ष भी पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने दिया, और हमें विश्वास है कि आगे भी वो देंगे। आप रोजगार के क्या उम्मीदें करते हैं योगी पार्टी से, तमाम नए चेहरे इसमें शामिल किए गए? देखिए, उम्मीदें तो थी, इसीलिए तो दोबारा सरकार बनी है, आगे भी और उम्मीदें होगी, अच्छी सरकार चलेगी। गुंडों का हाल आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी 1-2 महीने बाद जब बाबा यानी शपथ आज ले चुके हैं, अब कल से एक्शन उनका चालू हो जाएगा। बिल्कुल, बाबा का एक्शन कल से चालू हो जाएगा। रजत हमारे सहयोगी हैं मौजूद, क्या कहेंगे पार्ट टू में, क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या उम्मीदें लगते हैं? देखिए, निश्चित ही आलोक जी, जब योगी पार्ट 1 सरकार बनी 2017 से मैं 22 की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश का एक आधारभूत ढांचा तो तैयार हो गया, बनकर तैयार हो चुका था। अब आप याद करिए कि जब विधानमंडल दल की कल बैठक होती है, और उसमें अमित शाह केंद्रीय प्रवेक्षा के रूप में मौजूद होते हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, वो ये बात साफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर थी, जिस वजह से यहाँ पर व्यापक पैमाने पर निवेश हुआ। केंद्र सरकार की दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 9वें पायदान पर था, और आज वो 2रे पायदान पे है, और ये 5 साल में केवल योगी जी के सुशासन की वजह से हुआ। तो कहीं ना कहीं जो प्राथमिकताएं होंगी, वो विकास को, उत्तर प्रदेश के विकास को और गति देना होगा,
और निवेश को लाना होगा और कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना होगा। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो बीजेपी का घोषणा पत्र 2022 का इस बार आया, वो सारी घोषणाएं पहली कैबिनेट में उसमें कई घोषणाएं पूरी होती हमें दिखेंगी। आलोक जी, बिल्कुल, कैबिनेट बैठक का इंतजार है। उस पहली कैबिनेट की बैठक में क्या फैसले लेकर सरकार आती है, क्योंकि 2017 में जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी तो प्रदेश के किसानों का जो बकाया है वो माफ करने का काम किया गया था। अलमना हमारी सहयोगी है, अलमना जी क्या उम्मीदें करती हैं आप लोग योगी पार्टी की सरकार से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ग्रामीण इलाके में योगी सरकार को वोट मिला, अच्छा खासा वोट उन्होंने इकट्ठा किया, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने जिस तरीके से राशन का वितरण किया, गैस फ्री दी, तो इसका बहुत फायदा हुआ। देखिए अभी किन्नर समाज के लोग हमारे साथ थे जिन्होंने ढोल के साथ साथ, ढोल मजीरे के साथ साथ योगी सरकार को बधाई दी, बधाई गीत भी गए, तो उत्सुकता हर समाज के लोगों में है। कहीं ना कहीं हर समाज के लोगों को लग रहा है कि योगी सरकार हमारा उद्धार करेगी। अभी आपने सुना होगा कि लोकगीत गाए जा रहे थे यहाँ पर, आप देख सकते हैं साधु संत योगी सरकार के साथ है, सबने खुशी है, एक लहर है, पूरे देश के लोग आज देख रहे थे कि किस तरीके से शपथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंच पर आए तो आप देख सकते थे किस तरीके से जय जयकार हुआ। तो एक तरीके से योगी सरकार पार्ट टू अब कितना सफल होता है, और जिस तरीके से जनता ने एक बार और मौका दिया है, जनता पे के मुद्दों पर कितना खरा उतरती है ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जनता काफी खुश नजर आ रही थी। यही वजह है कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया गया। बिल्कुल, योगी पार्ट टू ने कमान संभाल ली है इसी अंतर्राष्ट्रीय गाना स्टेडियम पर, जबकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी थे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, के नितिन गडकरी के अलावा कई अन्य कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ही पूरे मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने का काम आनंदीबेन पटेल ने किया है। 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा सारा समय के दर्शकों को कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम समेत कुल 19 मंत्री हैं, और इसमें से 8 नए चेहरे हैं। पहली बार मौका दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो आपका सबसे पहला सवाल था कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। और जो नए चेहरे हैं मैं बताना चाहूंगा, बीबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल रही है उनका नाम शामिल है, जयबीर सिंह उनका नाम है, ये मैनपुरी से आते हैं, मैनपुरी सदर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। और इसके अलावा राकेश सचान है, कानपुर देहात से चुने गए हैं। आशीष पटेल जो अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको जगह दी गई है। अरविंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री में जगह दी गई है। योगेंद्र उपाध्याय और संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। नए चेहरों को लेकर क्या है आप कहेंगे जजा जी? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा, पूर्व बहुमत बीजेपी पा चुकी थी, लेकिन सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में पूरा स्थान मिला। अब देखिए संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हें कैबिनेट में लाया जाता है। इसके साथ ही साथ अपना दल के आशीष पटेल जो आप खुद बता रहे कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती है। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि 53 सदस्यीय मंत्रिमंडल है और इस मंत्रिमंडल में कई चेहरों को जगह दी गई है। इसके साथ ही जो पुराने और अनुभवी चेहरे रहे हैं उनको भी मौका दिया गया है। पुराने मंत्रियों की बात करें तो उसमें नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, इसके अलावा सुरेश खन्ना हैं, सूर्य प्रताप शाही हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं संगठन में भी अब आने वाले दिनों में आपको फेरबदल देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। जी आज ओथ सेरेमनी हुई है जिसमें माफ कीजिएगा तमाम बड़े चेहरों को यहां पर तरजीह दी गई है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हैं, चाहे वो बेबी रानी मौर्य हो, चाहे वो AK शर्मा हो या फिर जितिन प्रसाद का नाम हो, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।